आईपीएल 2020 का 20वां मैच आज अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच को मुंबई इंडियंस ने आसानी से 57 रन से जीत लिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 192 रन बनाए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 18.1 ओवर में 136 रन ही बना सकी। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। आज मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे ज़्यादा रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए, उनके नाम 79 रन रहे। मुंबई इंडियंस की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए। इससे पहले मिडिल ऑर्डर के अनुभवी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन अर्धशतक पारी खेलकर मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स के सामने विशाल स्कोर रख दिया था। सूर्य कुमार यादव ने अंत में हार्दिक पांड्या के साथ 76 रनों की साझेदारी कर मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 193 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 79 रनों की पारी खेली, जिसमें 47 गेंदों का सामना कर 11 चौके 2 छक्के मारे। हार्दिक पांड्या ने उनका साथ देते हुए अंत में 19 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्के की मदद से नाबाद 30 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए उसकी सलामी जोड़ी तेजी से रन बना रही थी। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने क्विंटन डीकॉक को आउट कर इस साझेदारी पर ब्रेक लगा दिया। डीकॉक ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। डीकॉक ने 19 गेंदों पर 3 चौके 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा को 88 के कुल स्कोर पर सुरेश गोपाल ने आउट कर मुंबई को दूसरा झटका दिया। रोहित शर्मा ने 35 रनों की पारी में 23 गेंदों पर सामना कर 2 चौके 3 छक्के लगाए। अगली गेंद पर गोपाल ने ईशान किशन को 0 रनों पर आउट कर हैट्रिक की उम्मीद जताई, जिसे कुणाल पांड्या ने पूरा नहीं होने दिया। कुणाल पांड्या हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जोफ्रा आर्चर की गेंद पर सुरेश गोपाल ने ही उनका कैच पकड़ा। 12 रन बनाने वाले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का विकेट 117 के कुल स्कोर पर गिरा। यहां से सूर्य कुमार यादव ने अंत तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया, टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुँचाया। आईपीएल डेब्यू कर रहे कार्तिक त्यागी ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट निकाला। वहीं गोपाल ने 4 ओवर में 28 रन दिया और 2 अहम विकेट चटकाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।